बुलंदशहर में बुलंद बायो एनर्जी में असलाह के बल पर डकैती। असलाह से लैस 18 से 20 लुटेरों ने बायो एनर्जी प्लांट में स्टाफ को बंधक बनाकर डाली डकैती। लुटेरों ने स्टाफ को स्टाफ रूम में बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे असलाह के बल पर लूट ले गए 1.25 करोड़ की विदेशी मशीनें और 67,000 की नगदी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर जांच में जुटे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने किया प्रदेश के पहले एनर्जी प्लांट का शुभारंभ। बुलंदशहर के अगोता थाना क्षेत्र के गांव लोहगरा की घटना। यह अगौता थाना क्षेत्र में लोहगरा गांव है, जहां बुलंद बायोगैस प्लांट एक अंडर कंस्ट्रक्शन बायोगैस प्लांट है। इसमें यहां पे कुछ लेबर और यहां के साइट सुपरवाइज़र रह रहे थे। इनके द्वारा सूचना दी गई कि बीती रात 10 से 12 लोग यहां पर आए थे और इनको एक कमरे में बंद कर दिया और यहां से जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं उन सबको लेकर के गए हैं। इस सूचना के आधार पर तहरीर प्राप्त कर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ इनपुट्स मिले हैं, जिन लोगों के साथ घटना हुई उनसे बातचीत करने पर भी कुछ इनपुट्स मिले हैं और हमारी फील्ड यूनिट भी यहाँ मौजूद है। उनके द्वारा भी यहाँ फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है। घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई हैं और जो इनपुट्स हैं उन पे हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है। इसके आधार पर शीघ्र घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।